वंदे तो सर्व सिद्धे दुग्म मनोमम गदिम पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भलिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कर्म के करने वाले कौन हैं? पिछली ज्ञानशाला में आपने अच्छी तरह सुना और समझा मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, ये चार जो हैं ये बंध के करने वाले हैं। अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। गाथा नंबर 117। ते सिं पुणो वियमो भलिदो भेदो दुतेरसु वियप्पो मिच्छादिट्ठि आदि जाव सजोगी सचरमंतम। बोलिए ते सिंपुणो वियमो भलिदो भेदो दुतेरसु वियप्पो मिच्छादिट्ठि आदि जाव सजोगी सचरमंतम। ते सिंपुणो वियमो भलिदो भेदो दुतेरसु वियप्पो मिच्छादिट्ठि आदि जाव सजोगी सचरमंतम। चार भेद मुख्य कह दिए, मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग। अब उनके और कौन कौन से भेद हैं? आचार्य ने गाथा लिखी, तेसिम उनके पुणोविय और फिर इमो माने ये भेद भणिदो कहे गए हैं। कौन से भेद हैं? तेरस वियप्पो, तेरस वियप्पो माने विकल्पो माने तेरह प्रकार के मिथ्यादिट्ठि आदि, मिथ्या दृष्टि आदि से लेकर, अर्थात जो तेरह गुणस्थान है मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली तक, जाव माने मिथ्या दृष्टि आदि से लेकर सजोगिस संयोग केवली के चरमंतम, चरम माने अंतिम समय तक, अर्थात मिथ्या दृष्टि से आदि लेकर के पहला गुणस्थान, संयोग केवली तेरहवा गुणस्थान, तो तेरहवें गुणस्थान के अंतिम समय तक यह आत्मा कर्मबंध का करता है। तो ऊपर जो हमने चार संक्षेप से बता दिए, मिथ्या दृष्टि अवृत्ति कषाय और योग, अगर उनके और भेद करें तो फिर मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर संयोग केवली तक उनके तेरह भेद और होते हैं। ये तेरह प्रकार के परिणाम भी बंध के करने वाले हैं। फिर देखें जरा, तेसिम उनके किनके जो चार भेद बताए थे, मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, उनके पुणोभी और फिर इमो माने ये भेद भणदो कहे गए हैं। तेरस भी अपो तेरह प्रकार के भेद कहे गए हैं। मिथ्या दृष्टि मिथ्यादिट्ठि आदि, मिथ्या दृष्टि आदि से सजोगिस चरमंतम जाव, मिथ्या दृष्टि के आदि से लेकर संयोग केवली के चरम समय तक, अर्थात गुणस्थान की अपेक्षा जीवों के जो पहले से तेरहवें गुणस्थान तक के जो भाव हैं वे कर्म बंध के कारण हैं। इसलिए उन्होंने मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग के ये भेद इतने तेरह कर दिए। अर्थ और फिर उनके तेरह प्रकार के भेद कहे गए हैं, वे भेद मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली के चरम समय पर्यंत हैं।
ये क्या है? ये गुणस्थान रूप है। पंडित जी, क्या ये गुणस्थान भी बंध में कारण है? गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के कारण होने वाले आत्मा के परिणामों के तारतम्य को गुणस्थान कहते हैं। तो ये कैसे परिणाम है? मोह और योग के कारण बने। मोह का मतलब मिथ्यात्व, अविरति और कषाय, और योग योग अर्थात ये ऊपर वाले जो चार हैं यही तो ये गुणस्थान रूप हैं। अर्थात मिथ्या दृष्टि से लेकर 13वें गुणस्थान संयोग केवली के अंतिम समय तक के परिणाम ये जीव के बंध में कारण होते हैं। पंडित जी, मिथ्यात्व चेतन है या अचेतन? मिथ्यात्व जो कर्म है वो अचेतन है क्योंकि पुद्गल से बना। मिथ्यात्व जो परिणाम है आत्मा का वो चेतन है। अच्छा, निश्चय से देखा जाए तो जो मिथ्यात्व रूप आत्मा का परिणाम है वो अचेतन है। क्यों? क्योंकि पुद्गल के कारण बना है। और वास्तव में देखा जाए तो मिथ्यात्व का है संयोगी भाव है। जीव और आत्मा दोनों ने मिलके किया है इसलिए ये संयोगी भाव है। इसी तरह जैसे मिथ्यात्व में लगाया ना, इसी तरह अविरति में, कषाय में, सब में लगाना चाहिए कि ये द्रव्य प्रत्यय अचेतन, भाव प्रत्यय चेतन, निश्चय की दृष्टि में ये सब अचेतन और वैसे देखा जाए तो ये संयोगी भाव है। पद्यानुवाद गाथा 117 का। मिथ्यात्व लेकर संयोगी सुकेवली लो, ये है विभेद उनके 10-3 भी लो। ये दीन जीव गुण थानन में पड़े हैं, स्वाधीन से सब वे इनसे परे है। आइए गाथा नंबर 118 देखते हैं। आज तीन गाथाएं करेंगे, 17, 18, 19, क्योंकि तीनों आपस में संबंधित रिलेटेड हैं। आइए 118। ए दे अचेदुणा खलु, पूगल कमुदय संभवाजम्, तेजदिकरन्ति कम्मम्, रविते सिं वेद गो आदा। एदे अचेदणा खलु पूगलकमुदय संभवाजम्मा, तेजदिकरन्ति कम्मम्, रविते सिं वेद गो आदा। एदे अचेदणा खलु पूगलकमुदय संभवाजम्मा, तेजदिकरन्ति कम्मम्, रविते सिं वेद गो आदा। गाथा का अर्थ समझते हैं। ए दे मन ये अचेदना अचेतन है, खलु निश्चय से, पुगल कमुदय संभवा पुद्गल कर्म के उदय से संभव माने उत्पन्न होते हैं, जम्मा क्योंकि। अब निश्चय से बात हो रही है। ये जो 13 गुणस्थानों की बात चली, ये 13 गुणस्थान चेतन है या अचेतन? क्या कह रहे हैं? ए दे ये 13 गुणस्थान अचेदना अचेतन है निश्चय से। निश्चय से लगा दिया। क्यों? जम्मा क्योंकि पुगल कम उदय संभवा, पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं।
ये तेरे गुण स्थान कैसे बने? पुद्गल कर्म के उदय से और क्षय से बने। इसलिए ये होने के कारण क्या हुआ फिर? ते यदि करन्ति कम्मम, वे यदि करन्ति करते हैं कम्मम कर्म को, तो नभि तेसिम वेदगो आदा, तो नभि नहीं है तेसिम माने उनका, वेदगो माने वेदन करने वाला अर्थात भोक्ता आत्मा। यदि ये माना जाएगा कि ये तेरह गुण स्थान जो है मिथ्यात्व से लेके संयोग केवली तक, ये इनके करने वाला पुद्गल कर्म है जैसा ऊपर दिया निश्चय से, तो यदि पुद्गल कर्म ने इनको किया है तो उनका फिर भोक्ता आत्मा नहीं हो सकता, फिर तो उनका भोक्ता पुद्गल ही होगा। फिर एक बार देखें, एदे अचेतना खलु, खलु माने निश्चय से, ये गुणस्थान आदि अचेतन हैं। पुद्गल कम उदय संभवा जम्मा, जम्मा माने क्योंकि, पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं, पुद्गल कर्म के उदय से ही सो उत्पन्न हुए हैं। इसलिए ते यदि करन्ति कम्मम, वे यदि करते हैं कर्म को, यदि पुद्गल कर्म के उदय से ये हुए हैं, तो वे यदि कर्म को करते हैं तब उनका तेसिम वेदगो, उनका भोक्ता आदा नवि आदा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अपने ही परिणामों का भोगने वाला है, पुद्गल के द्वारा किए गए परिणामों का भोगने वाला आत्मा नहीं होता। इसलिए ये निश्चय से अचेतन है, इसलिए निश्चय से इनका भोगने वाला भी आत्मा नहीं है। ये मिथ्यात्वादि प्रत्यय निश्चय से अचेतन है, क्योंकि ये पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। यदि वे प्रत्यय कर्म करते हैं तो करें, उन कर्मों का भोक्ता आत्मा नहीं है। गाथा नंबर 119 देखिए। गुण सर्णी दादुए दे, कम्मं कुवन्ति पच्चया जम्मा, तम्मा जीवो कत्ता, गुणाय कुवन्ति कम्माणि। बोलिए, गुण सर्णी दादुए दे, कम्मं कुवन्ति पच्चया जम्मा, तम्मा जीवो कत्ता, गुणाय कुवन्ति कम्माणि। गुण सर्णी दादुए दे, कम्मं कुवन्ति पच्चया जम्मा, तम्मा जीवो कत्ता, गुणाय कुवन्ति कम्माणि। गुण सर्णिदा, गुण संज्ञा वाले अर्थात गुणस्थान नामक, एदे माने ये, कम्मं कुवन्ति कर्म करते हैं, पच्चया प्रत्यय, जम्मा क्योंकि। अब अर्थ कैसे लगेगा देखें, जम्मा क्योंकि गुणस्थान नामक ये प्रत्यय कर्म करते हैं। कर्म का करने वाला कौन? ये पहले से लेके तेरहवें गुणस्थान तक, तो ये हुआ, ये गुणस्थान नामक प्रत्यय क्योंकि कर्म करते हैं, तम्मा इसलिए। फिर जीव कैसा हो गया? जीवो अकत्ता, जीव कर्मों का कर्ता नहीं है। तो फिर कर्म किसने किए? गुणाय कुवन्ति कम्माणि, गुणस्थान ही और कर्मों को करते हैं। पहले में सिद्ध ये हो गया, जीव ने तो किए नहीं, गुणस्थान किसने किए? पुद्गल ने किए, कर्मों के कारण गुणस्थान हुए। तो जब गुणस्थानों का करने वाला
है तो जीव कर्मों का कर्ता नहीं हुआ। तो जब जीव कर्मों का कर्ता नहीं हुआ तो फिर गुणस्थानों का करने वाला कौन हुआ, कर्मों के करने वाला कौन हुआ, गुणस्थान हुए। फिर एक बार देखें गाथा देखिए, गुणस्थान नामक गुण सरणिदा एदे माने ये पच्छे माने प्रत्यय क्योंकि कर्म करते हैं। कर्म किस कारण हुए, गुणस्थान रूप परिणामों के कारण हुए। इसलिए तम्मा इसलिए जीवो अकत्ता, फिर जीव कर्मों का कर्ता नहीं है। गुणा कम्माणि कुब्बन्ति, गुणस्थान ही कर्मों को करते हैं। गुणस्थानों के रूप गुणस्थान रूप परिणामों से ही तो कर्म हुए, जीव करने वाला नहीं हुआ, गुणस्थान रूप परिणामों के कारण ही कर्म हुए। अर्थ, क्योंकि ये गुणस्थान नामक प्रत्यय कर्म करते हैं इसलिए निश्चय से जीव कर्मों का कर्ता नहीं है और गुणस्थान नामक प्रत्यय ही कर्मों को करते हैं। गाथा नंबर 118 का पद्य अनुवाद नहीं हुआ, पहले उसको करते हैं, निकालिए। मिथ्यात्व आदि गुण पुद्गल से बने हैं सारे अचेतन निकेतन ही तने हैं, ये कर्म को कर रहे यदि हो तथापि आत्मा न भोग सकता उनको कदापि। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, मिथ्यात्व आदि गुण जो पुद्गल से बने हैं अचेतन हैं, अगर वो उन्हें करेंगे ना तो फिर आत्मा उनका भोग कभी नहीं करेगा, क्योंकि पुद्गल करे और जीव भोगे ये नहीं होता। आइए गाथा नंबर 119 का पद्यानुवाद देखते। निर्भ्रांत प्रत्यय सभी गुण नाम वाले दुष्टाष्ट कर्म करते मन को विदारे, ज्ञाता विशोध नय से निज धर्म धरता, करता न आत्म रहा गुण कर्म करता। जय